हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर सोशल साइंस टीचर। कंटिन्यूइंग द चैप्टर 4, ट्राइबल रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट 2। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट्स रिमेनिंग टॉपिक्स। द टॉपिक इज ट्राइबल लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन के अधीन जनजातीय जीवन। द ब्रिटिश रूल क्रिएटेड वेरियस प्रॉब्लम्स इन ट्राइबल लाइफ। अंग्रेजी शासन जनजातीय जीवन में बहुत सारी समस्याएं पैदा कर दी थी। वन ऑफ देम वाज लॉस ऑफ पावर। उनमें से एक थी उनके अधिकारों की क्षति, उनके शक्तियों का पतन। इन द प्री ब्रिटिश पीरियड द ट्राइबल चीफ्स हैड द पावर टू फ्रेम लॉज फॉर मैनेजिंग दियर ट्राइब्स लैंड एंड फॉरेस्ट्स। ब्रिटिश पूर्व भारत में जो जनजातीय मुखिया होते थे, उनको अपनी जनजातियों की भूमि और जंगलों को व्यवस्थित करने का अधिकार मिला हुआ था। सम आल्सो हैड द पावर टू कलेक्ट टैक्सेस। कुछ मुखियाओं को टैक्स भी इकट्ठा करने की शक्तियाँ मिली थी। द भील चीफ्स ऑफ साउदर्न गुजरात फॉर एग्जाम्पल। उदाहरण के लिए दक्षिणी गुजरात की भील जनजाति के जो मुखिया थे, उनको ऐसे सारे अधिकार मिले हुए थे। ओके, द मराठा रूलर्स पेड हक टू द भील चीफ्स टू प्रिवेंट भील रेड्स ऑन दियर टेरिटरीज। इतना ही नहीं, जो मराठा शासक थे, वे भी भील जनजात के मुखियाओं को हक देते थे अपने क्षेत्रों में उनके आक्रमण को रोकने के लिए, ताकि भील चीफ्स उनके क्षेत्रों में आक्रमण ना कर सकें। इसके लिए मराठा शासक भी उनको टैक्स या हक देते थे। ओके स्टूडेंट्स, बट नाउ अंडर द ब्रिटिश रूल द चीफ्स लॉस्ट दियर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट्स। लेकिन अब ब्रिटिश शासन के अधीन उनके ये सारे पारंपरिक अधिकार छिन गए। नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज इनडेप्टनेस एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड। इनडेप्टनेस मीन्स ऋणग्रस्तता, कर्ज के जाल में फंसना। लॉस ऑफ लाइवलीहुड, जीविका का ख़त्म होना, समाप्त होना। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स वर एक्सटेंडेड टू द ट्राइबल लैंड्स एंड टैक्सेज वर इम्पोज्ड ऑन ट्राइबल प्रोड्यूस। अंग्रेजी जो भूमि कर व्यवस्था थी, जो भूमि राजस्व व्यवस्था थी, वो जनजातीय भूमियों के ऊपर भी लागू कर दी गई, और जो जनजाति उत्पाद थे उनके ऊपर भी ये राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। द नीड फॉर कैश टू मेक पेमेंट्स फॉर फोर्स्ड द ट्राइबल पीपल टू टर्न टू मनी लेंडर फॉर लोन्स एट हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। इसकी वजह से जनजाति लोगों को साहूकारों से ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़ा, क्योंकि उन्हें जो टैक्स था अंग्रेज़ों का, उसे नगद में चुकाना पड़ता था। ओके, व्हेन दे कुड नॉट रिपे द लोन्स द मनी लेंडर टुक अवे दियर कैटल कॉर्ड्स एंड समटाइम्स लैंड देयर बाई डिप्राइविंग देम ऑफ दियर ओनली मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। जब कभी वे उनके कर्ज को, साहूकारों के कर्ज को वापस नहीं कर पाते थे, तो साहूकार उनके जानवरों को, उनके पशुओं से खींचे जाने वाली गाड़ियों को, और कभी कभी उनके ज़मीनों को छीन लेता था, जिसके कारण वे अपनी जीविका से वंचित हो जाते थे। मैनी ट्राइबल्स बिकेम एग्रीकल्चरल लेबरर्स ऑन दियर ओन लैंड्स। बहुत सारे जनजात के लोग खेतिहर मजदूर बन गए अपने ही भूमियों में। मैनी वर फोर्स इंटू बेट बेगारी लेबर विदाउट पे। बहुत सारे जनजाति लोगों से
मुफ्त में काम लिया जाता था, बिना पैसा दिए बिना पारिश्रमिक दिए उनसे काम करवाया जाता था, जिसे उनकी भाषा में बेठ बेगारी कहा जाता था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज ऑपरेशन ऑफ फॉरेस्ट ट्राइब्स, जंगल के जनजातियों पर अत्याचार। द ब्रिटिश इनेक्टेड फॉरेस्ट लॉज विच मार्कड आउट सर्टेन फॉरेस्ट एज रिजर्व एरियाज। अंग्रेजों ने जंगलों से संबंधित नियम बनाए जिसके अनुसार जंगल के बहुत सारे क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र के रूप में चिन्हित कर दिए गए। द ट्राइबल पीपल रेजिडेंट इन दीज फॉरेस्ट वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड यूजिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो जनजातीय लोग थे उनको इन निषिद्ध क्षेत्रों में शिफ्टिंग कल्टिवेशन दैट इज स्थानांतरित खेती करने से मना कर दिया गया और वे अब जंगल के उत्पादों को उपयोग में नहीं ला सकते थे इन नए कानूनों की वजह से। ओके, हैविंग दस टेकन अवे दियर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड द ब्रिटिश यूज्ड देम एज चीप लेबर फॉर वेरियस टास्क। अब चूंकि इस तरह से उनकी जीविका के साधन छिन गए थे तो अब ब्रिटिश मीन्स अब अंग्रेज लोग उनको सस्ते मजदूर के रूप में उपयोग में लाने लगे। ओके, इन द अर्ली 20th सेंचुरी सोनाराम संगमा ऑफ द गारो ट्राइब लेड एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट आफ्टर विच द ब्रिटिश हैड टू डिक्लेयर सम एरियाज एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। इन द अर्ली 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी के शुरुआत में गारो जनजाति सोनाराम संगमा के नेतृत्व में एक संगठित विरोध किया अंग्रेजी शासन का, जिसके बाद अंग्रेजों ने जंगलों के कुछ क्षेत्रों को अवर्गीकृत क्षेत्र घोषित किया। वेयर शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज अलाउड, जहां पे स्थानांतरित खेती की जा सकती थी। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्राइबल रिवोल्ट्स, जनजाति विद्रोह। इंडियन ट्राइब्स फेस्ड ऑपरेशन थ्रू आउट ब्रिटिश रूल। भारतीय जनजातियाँ पूरे अंग्रेजी शासन के दौरान अत्याचार सहती रहीं। सम ट्राइब्स रोज इन रिवोल्ट, उनमें से कुछ विद्रोह कर बैठी। नेचर ऑफ रिवोल्ट्स, विद्रोह का स्वरूप, विद्रोह की प्रकृति क्या थी। द ट्राइबल रिवोल्ट्स लेड टू अनइक्वल कॉन्फ्रंटेशंस बिटवीन द ब्रिटिश ट्रूप्स आर्म्ड विथ गन्स एंड द ट्राइबल रेबल्स आर्म्ड विथ बोज एरोज एक्सेस एंड स्पीयर्स। स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज। द ट्राइबल रिवोल्ट्स लेड टू अनइक्वल कॉन्फ्रंटेशंस, ये जो जनजातीय विद्रोह था ये असमान मुठभेड़ था किसके बीच में, ब्रिटिश सैनिकों के बीच में और ट्राइबल रेबल्स और जनजातीय विद्रोहियों के बीच में, क्योंकि ब्रिटिश सैनिक गन से लड़ रहे थे और जनजातीय विद्रोही धनुष तीर कुल्हाड़ी और भाले जैसे पारंपरिक हथियारों से लड़ रहे थे। नेवर द लेस थाउजेंड्स ऑफ ट्राइबल्स फॉट टिल दियर लास्ट ब्रेथ, फिर भी हजारों जनजातीय लोग अपने अंतिम सांस तक अंग्रेजी शासन से लड़ते रहे। देयर वर ट्राइबल रिवोल्ट्स इन मेनी रीजन्स ऑफ इंडिया, एमंग दोज हु रिवोल्टेड वर सेंट्रल्स ऑफ बंगाल बिहार एंड झारखंड, द मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर, द भील्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, द खसीस एंड गारोज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड द ट्राइबल पीपल ऑफ सेंट्रल इंडिया हु वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज इन द 1930s। बहुत सारे जनजातियों ने विद्रोह किया था भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, उनमें से कुछ के नाम हैं बंगाल बिहार और झारखंड के संटाल जनजाति के लोग, छोटा नागपुर
के मुंडा जनजाति के लोग, मध्य भारत के भील जनजाति के लोग, उत्तरी पूर्वी भारत के खासी और गारो जनजाति के लोग और मध्य भारत के बहुत सारे जनजाति लोग इन विद्रोहों में सम्मिलित हुए। क्वाइट ऑफन ऑप्रेस्ड नॉन ट्राइबल पीपल आल्सो ज्वाइंड द रिवोल्ट्स। अक्सर जो गैर जनजाति के लोग थे, जो अंग्रेजी शासन से पीड़ित थे, उन्होंने भी इन विद्रोहों में शामिल होना स्वीकार किया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज मुंडा रिवोल्ट, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवोल्ट एमंग द रिवोल्ट्स डन बाई डिफरेंट या मैनी ट्राइब्स। जितनी भी जनजातियों ने विद्रोह किया था उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुंडा रिवोल्ट था, मुंडा विद्रोह था। द मुंडाज वर ए पीस लविंग ट्राइब ऑफ द छोटा नागपुर रीजन। मुंडा लोग छोटा नागपुर क्षेत्र की शांत प्रिय जनजाति थी। छोटा नागपुर मीन्स सराउंडिंग एरियाज ऑफ मॉडर्न रांची। रांची के आसपास का जो क्षेत्र है उस समय छोटा नागपुर कहा जाता था। अंडर ब्रिटिश रूल देवर डिनाइड द राइट्स बाय डिकूज आउटसाइडर्स सच एज मनी लेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, क्रिश्चियन मिशनरीज एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ब्रिटिश शासन के अधीन उनके अधिकार डिकूज, जिससे वो लोग आउटसाइडर को वो लोग डिकूज कहते थे, उनके द्वारा उनके अधिकारों को अस्वीकार कर दिया गया। ये डिकूज कौन थे? मनी लेंडर्स साहूकार थे, कॉन्ट्रैक्टर्स ठेकेदार थे, क्रिश्चियन मिशनरीज ईसाई धर्म प्रचारक थे एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे और ब्रिटिश शासन के अधिकारी थे। इन सबको मुंडा डिकूज कहते थे। द लेट 19th सेंचुरी बिरसा मुंडा लेड एन आर्म्ड रिवोल्ट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द मुंडाज फ्रॉम कॉलोनियल रूल। 19वीं शताब्दी के अंत में बिरसा मुंडा ने औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र मुंडाओं के लिए अलग स्टेट के लिए औपनिवेशिक शासन से मुक्त स्वतंत्र मुंडा स्टेट के लिए विद्रोह किया। बिरसाज डेडिकेटेड सर्विस टू द स्टार्विंग एंड द सिख अर्न्ड हिम द टाइटल धरती आबा फादर ऑफ द अर्थ एंड द लीडरशिप ऑफ हिज पीपल। बिरसा मुंडा भूखे और बीमार व्यक्तियों की समर्पित भाव से सेवा भी करता था, जिसकी वजह से उसको धरती आबा मीन्स फादर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का या धरती के पिता की उपाधि मिली हुई थी एंड द लीडरशिप ऑफ हिज पीपल, और उसको लोगों की लीडरशिप भी मिली हुई थी। क्यों मिली हुई थी? क्योंकि वह अपने लोगों की बीमार या भुखमरी के शिकार लोगों की ईमानदारी से सेवा करता था। इन दिस रिवोल्ट दैट इज इन द मुंडा रिवोल्ट मैनी मुंडा मैन वीमेन एंड चिल्ड्रेन फेल टू ब्रिटिश बुलेट्स। मुंडा विद्रोह में बहुत सारे मुंडा पुरुष, महिलाएं और यहां तक कि बच्चे भी गोलियों से मारे गए। बिरसा टू वाज अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड इन द रांची जेल वेयर ही डाइड इन कैप्टिविटी। बिरसा भी गिरफ्तार हुआ और उसे रांची जेल में डाल दिया गया, जहां उसकी कैद में ही मृत्यु हो गई। दैट्स ऑल एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।